भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं। उनके खिलाफ इंटरनेशनल रेसलिंग के रेफरी जगबीर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है और 2022 में हुए सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप का जिक्र किया है। 25 मार्च 2022 को सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप की ट्रायल हुई थी। ट्रायल खत्म होने के बाद जब फोटो सेशन हुआ तो इस दौरान एक महिला खिलाड़ी को ब्रजभूषण सिंह ने गलत तरीके से टच किया। इसके बाद वो महिला पहलवान दूर जाकर खड़ी हो गई। इंडिया टीवी पर दिए एक इंटरव्यू के दौरान इंटरनेशनल रेसलिंग के रेफरी जगबीर सिंह ने फोटो सेशन में ही कुछ दूरी पर खड़े थे। रेफरी जगबीर सिंह ने महिला पहलवानों द्वारा ब्रजभूषण पर लगाए गए आरोपों का समर्थन किया है। रेफरी जगबीर सिंह ने कहा, साल 2013 की एक घटना का जिक्र करते हुए मैं आज बता रहा हूं कि थाईलैंड में जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई थी जहां ब्रजभूषण शरण सिंह भी मौजूद थे। वहां भारतीय खिलाड़ियों को कहा गया कि उन्हें आज भारतीय डिनर करवाया जाएगा। उस दिन ब्रजभूषण सिंह और उनके साथी नशे में थे और उस दिन उन्होंने महिला पहलवानों को जहां नहीं छूना चाहिए था वहां भी छुआ है। इस रेफरी की बात से तो यही साबित होता है कि शायद ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगे हैं वो ठीक ही हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।